मामा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई रेडी होगी। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी और यमी सी चिकन कढ़ाई बहुत झटपट से रेडी करेंगे हम। मैंने ले लिया 1 किलो के करीब चिकन और 1 किलो टमाटर लिए। टमाटर मैंने 1 कप घी के अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर को हम थोड़ी सी 5 से 10 मिनट तक रखेंगे और बाद में टमाटरों को देखेंगे। टमाटरों के हमने छिलके उतारे हैं। टमाटर अच्छे से गल जाए तो छिलके सारे उतारे आराम से इजी भी छिलके कर देंगे। छिलके सारे उतारे हैं। चिकन चला इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पर आए। बहुत शुक्रिया। चिकन 1 kg हमने डाल दिया है। इसमें हम 2 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हमने डालना हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 टीस्पून के करीब हमने डालना अदरक का पेस्ट। ये सारी पेस्ट हमने इसमें डाल दी है चिकन में। चिकन कढ़ाई रेडी होगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और चिकन के साथ ही इसको हम गोल्डन करेंगे। हमने छिलके उतार लिए, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। चिकन अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों के साथ अच्छे से कुक हो चुका है। इसके अंदर हम प्यूरी डाल देंगे। टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लग जाएगी। इसमें 1 टी स्पून इसमें नमक चला जाएगा। सालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी से बनने वाली कढ़ाई है ये और बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बाद के मसाले एंड पे डालेंगे। चार किस्म की कढ़ाई हमारी रेडी हो गई। इसमें चले जाएगा 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर और इसको डिश आउट करेंगे। साथ हरी मिर्ची और अदरक कटा हुआ डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की झटपट से जल्दी से बनने वाली कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। साथ इसके चपातियाँ, गरम गरम नान या कुल्चों के साथ पेश करें। साथ दही का रायता बनाएं, सैलेड बनाएं या आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो गई। टेस्टी टेस्टी सी, यमी यमी सी। सिर्फ इसको 10 मिनट लगे। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।